हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आ रही हूँ मेकअप का वीडियो। देख लीजिए कस्टमर का, हमको इनको लाइट मेकअप करना था तो इनको हमने किया थोड़ा। सारी जो मैंने पहले वाला वीडियो डाला था आपको, सारी फोल्डिंग कैसे करते, प्लेट कैसे बनाते हैं गाइस, ये सब का मैंने वीडियो बना लिया था। और इनका बेबी शावर के लिए इनको थोड़ा लाइट मेकअप, ज़्यादा भी नहीं, उनको बहुत ही लाइट मेकअप चाहिए था। सो इसके साथ हमने किया था, सारी ड्रॉपिंग किया था, उनको लगाया था। देखिए गाइस, इस तरह से इनको हमने किया था। लेकिन पूरा वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत अर्जेंटली उनको जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि सुबह का टाइम में ही उनको थोड़ा फोटोशूट भी था। तो जितना हो सका गाइस आप लोग के लिए मैंने थोड़ा छोटा मोटा जितना हो सके मैंने वीडियो बनाया। कैसा लग रहा है आप लोग को देख लीजिएगा गाइस। और देखिए मेकअप करते वक्त इनको कुछ भी ज़्यादा, क्योंकि इनको बहुत ही इचिंग और बहुत ये प्रॉब्लम हो रहा था, जो क्योंकि प्रेग्नेंट है तो अभी इनको थोड़ा स्किन भी थोड़ा सेंसिटिव हो रहा था, तो उनको थोड़ा मेकअप चाहिए ही नहीं था। थोड़ा लिपस्टिक और जस्ट टचअप कर दिया था, देख लीजिए फेस में इतना कुछ है ही नहीं। तो उसके बाद फिर इनको, फिर भी उनको बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब एक गुड वाइब्स मतलब होता है ना, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था करने के बाद भी, बहुत खुश थे। बट हमको थोड़ा और कर लेते तो और अच्छा लगता हम लोग को, लेकिन उनको जस्ट ज्वेलरी और जो था उनका सारी टॉपिंग वही करके थोड़ा हमने हेयर स्टाइलिंग जो हमने किया था वो आपको दिखा दिया मैंने। उस तरह से हमने करके बाद में थोड़ा फोटो लेके इधर उधर करके फिर हमने कस्टमर को ये कर दिया था, छोड़ दिया था। गाइस कभी भी देखिए ऐसा बेबी शावर वाले आए या कोई भी मेकअप वाले आए, लेकिन हम जब करते हैं तो थोड़ा हम परफेक्टली करना चाहते हैं। बट कोई नहीं, जो भी है, बट अच्छा